So dear students, good morning to all of you. In previous class we will already seen about some concept related to hard disk. Previous class में आपने hard disk के बारे में थोड़ी सी information ली थी कि hard disk क्या होता है. देखिए floppy disk की बात करें तो floppy disk जो है less amount में कम amount में data को store कर पा रहा था. तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें ज़्यादा amount में data को store करना है. ठीक है, इस need को पूरा करने के लिए हमारे पास hard disk आई. ओके, हार्ड डिस्क में हम बहुत ही ज़्यादा amount में data को store कर सकते हैं. ये GB में हो सकता है, टेराबाइट में हो सकता है, पेंटाबाइट में हो सकता है. आजकल की जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो 1 TB तक की आ रही है, 1 TB की आ रही हैं. हार्ड डिस्क में हम पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये पार्टीशन करते हैं और हर एक ड्राइव में आप अपने फोल्डर, फाइल्स और डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी वायरेक्टरी सभी को रख सकते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क देखेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क का मतलब है कि हार्ड डिस्क किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटर्स. देखिए प्लेटर्स क्या होता है, प्लेटर्स एक मेटल डिस्क होती है. ये बाहर का इसका एक फिजिकल पार्ट होता है, बाहर से दिखाई देने वाला पार्ट होता है. ओके, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए होता है. ठीक है, तो प्लेटर क्या है, आपका फिजिकल पार्ट है जो डेटा को स्टोर करता है. ओके, अब रीड राइट हेड दूसरा होता है. रीड राइट हेड, रीड राइट हेड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डेटा को रीड या राइट करेगा. ठीक है, ये ऐसा हेड होता है जो डेटा को रीड और राइट करता है. ठीक है, तो रीड राइट जो आर्म्स है, आर्म्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द रीड राइट हेड्स. ठीक है, रीड राइट हेड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, एक हेड लगा होता है, अभी हम देखेंगे, आपके सामने एक पिक्चर आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर स्पाइंडल मोटर. स्पाइंडल मोटर क्या होती है, ये मेटल डिस्क को घुमाने का काम करती है. ठीक है, जो आपका प्लेटर होता है, प्लेटर को क्या बोलते हैं, मेटल डिस्क. इस प्लेटर को घुमाने का काम कौन करता है, स्पिंडल मोटर करती है. ठीक है, तो द स्पिंडल कीप्स द प्लेटर इन पोजीशन एंड रोटेट्स देम एज रिक्वायर्ड. ठीक है, प्लेटर को जो है घुमाता रहता है, जो जिस पोजीशन में हमको चाहिए उस पोजीशन में उसको घुमाता रहता है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टिव लेयर. नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर. देखिए हार्ड डिस्क आपको पता ही है कि यहाँ पे एक फिजिकल पार्ट से बनके बनी होती है, कंपोनेंट से बनी होती है, एक बॉक्स में रहती है, तो उसमें धूल, मिट्टी, डस्ट ये सब ना पड़े, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बाहर से एक लेयर होती है जिससे वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो. ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर है प्लेटर डिवीज़न. प्लेटर डिवीज़न, अब प्लेटर डिवीज़न क्या होता है, जो आपका मेटल डिस्क होता है, बाहर का जो फिजिकल पार्ट होता है वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, कौन कौन से पार्ट में होता है, तीन पार्ट में, ट्रैक, सेक्टर एंड क्लस्टर. ट्रैक, सेक्टर एंड क्लस्टर. तो देखिए आज की क्लास में हम अभी 5 को ही कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पिक्चर के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ. ठीक है, तो अभी जितना भी मैंने बताया है, प्लेटर्स, रीड राइट हेड्स, स्पाइनल मोटर, प्रोटेक्टिव लेयर, प्लेटर डिवीजन्स, ये सभी के आप नोट्स बना लें. अभी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, थैंक यू.